टुडे वी विल सॉल्व क्लास सेकेंड वर्कशीट सब्जेक्ट EVS वर्कशीट वीक 28। एक्टिविटी फर्स्ट, वाटर डिस्प्लेसमेंट। मटेरियल रिक्वायर्ड, अ वाटर कंटेनर, सम पेबल्स एंड स्केच पेन। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप देखिए। फिल द कंटेनर हाफ विद वाटर एंड मार्क द वाटर लेवल विद स्केच पेन। देखिए बच्चों, हमने एक ग्लास में पानी भरा, आधा ग्लास, और उसमें हमने इस तरह से स्केच पेन से मार्क कर दिया उसका लेवल। नाउ पुट सम पेबल इन इट वन बाय वन। फिर इसमें बच्चों वन बाय वन हम इसमें पेबल्स डालेंगे। एज वाटर स्टार्ट कमिंग अप अगेन मार्क द वाटर लेवल। बच्चों जैसे जैसे हम उसमें पेबल डालते जाएंगे, पानी का लेवल ऊपर आता जाएगा और हम उसे स्केच पेन से मार्क करते जाएंगे। पुट सम मोर पेबल एंड मार्क द वाटर लेवल अगेन। ऑब्जर्वेशन, एज वी पुट सम स्टोन इन वाटर, वाटर लेवल राइजेज एज स्टोन नीड प्लेस एंड स्पेस फॉर देमसेल्फ। बच्चों ऐसा क्यों होता है कि जो वाटर लेवल है वो ऊपर आया जाता है? बिकॉज जो पेबल्स है बच्चों वो अपने लिए जगह बना लेते हैं ग्लास के सरफेस में। ठीक है, ओके स्टूडेंट। रिजल्ट एंड प्रिकॉशन, वाटर लेवल राइजेज अप बाय द सेम एक्सटेंट एज मच द वाटर डिस्प्लेस बाय स्टोन। एक्टिविटी सेकेंड, सिंक एंड फ्लोट। देखिए क्या चीज़ें तैरती हैं और क्या चीज़ें डूबती हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, वाटर कंटेनर, कॉइन, स्टोन, क्रेयॉन्स, रबर बॉल, मैच स्टिक एंड बलून्स। फिल द बकेट विद वाटर, नाउ पुट कॉइन इन इट टू सी व्हाट हैपन टू इट। नाउ ड्रॉप सम स्टोन, क्रेयॉन्स, मैच स्टिक वन बाय वन। बच्चों देखिए, हमने जो जो यहाँ पे चीज़ें ली हैं उन सभी को हम बकेट में डालेंगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि थिंग्स, कॉइन, स्टोन जो हैं वो डूब जाती हैं क्योंकि उनमें वेट होता है। ठीक है, और जो चीज़ें मैच स्टिक, बलून, क्रेयॉन्स, रबर बॉल होती है वो उसमें पानी में तैरती हैं। रिजल्ट, लाइट ऑब्जेक्ट सिंक, लाइट ऑब्जेक्ट डूबते हैं और हैवी ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं। लेट्स चेक आवर नॉलेज, व्हाट हैपन्स व्हेन वी पुट स्टोन इन अ वाटर कंटेनर। जब हम वाटर कंटेनर में स्टोन्स डालेंगे तो वाटर लेवल कम्स अप। व्हेन वी पुट स्केच पेन इन अ वाटर कंटेनर, द वाटर लेवल नॉट कम्स अप। ओके, कैन यू गिव सम एग्जाम्पल इन डेली लाइफ वेयर यू ऑब्जर्व दैट ईच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस। बच्चों देखिए, सब चीज़ों में ही कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लाइक अपना पैन, बकेट, ओके, रेफ्रिजरेटर, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, सभी स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। सेलेक्ट विच वन विल सिंक एंड विच वन विल फ्लोट इन वाटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। देखिए स्टूडेंट, दिस इज अ वाटर बॉटल फिल्ड विद वाटर, दिस वन विल सिंक, दिस वन विल फ्लोट, बलून, लीव विल फ्लोट, क्रेयॉन्स विल फ्लोट, पेबल्स विल सिंक, कॉइन्स विल सिंक, बोट विल फ्लोट, स्पेक्स विल सिंक, लॉक विल सिंक एंड पेपर विल फ्लोट। ओके, व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर एंड सम फ्लोट। बच्चों कई ऑब्जेक्ट वाटर में डूब जाते हैं और कई फ्लोट करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑब्जेक्ट दैट आर मोर डेंस देन वाटर विल सिंक एंड दोज लेस डेंस विल फ्लोट इन द वाटर। लाइफ स्किल वीक 28, बेसिक ऑफ ट्रैवलिंग। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लव टू ट्रैवल, whether it is for work or recreation, we should be aware about basics of traveling for a safe and comfortable journey. It is a set of all information which we need to plan and execute for any travel. It is a very useful skill needed to be learned. Note for teachers and parents, make a student aware of the concept basic of traveling through videos, stories, picture, discussion and poem, etc.
स्टूडेंट्स एक्टिविटी व्हाट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग्स आर मेड बाय यू बिफोर गोइंग ऑन स्कूल पिकनिक। स्टूडेंट आप सभी देखिए पिकनिक्स पे जाते होंगे तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करते हैं आप सभी यहाँ बताइए। वियरिंग मास्क इज नेसेसरी दीज डेज वाइल गोइंग आउटसाइड, डू यू फॉलो दिस पिक्चर सॉरी प्रैक्टिस। देखिए स्टूडेंट आप सभी को पता है कोरोना चल रहा है, आप सभी मास्क पहनते हैं, इसके बारे में यहाँ लिखेंगे कि आप ये फॉलो करते हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट आप सभी को मेरा वीडियो समझ में आया। स्टूडेंट आप सभी मेरे वीडियो को देखिए समझिए ध्यान से और अपना वर्कशीट सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।